पावन शारदीय नवरात्रि की शुरुआत आज से हो गई है। प्रथम नवरात्र को राजधानी शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में भी सुबह सवेरे ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है। मंदिर के पुजारी मुक्ति चक्रवर्ती ने बताया कि प्रथम नवरात्र को मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रों के पावन दिनों में माता की पूजा अर्चना करने वालों की माता मनोकामना पूर्ण करती है। उन्होंने बताया कि कालीबाड़ी मंदिर 200 साल पुराना है। यहां श्रद्धालु काफी संख्या में नवरात्रों में पहुंचते हैं। भगवती के आशीर्वाद से सभी के घर में खुशहाली रहे, सभी ठीक रहे, स्वस्थ रहे और उनके जो मांगे, जो मुराद, माँ उनके मुराद पूरी करे। अगला नवरात्रि है, माँ शैलपुत्री जी का पूजा है, तो विधिवत रूप से पूजा रहेंगे और जो हम तो सहयोग करेंगे, साथ साथ यहाँ के जो भक्त लोग हैं और प्रशासनिक तौर से सभी लोगों का सहयोग चाहिए और सभी के सहयोग के माध्यम से ये काम बिल्कुल सही ढंग से निपटा रहेंगे। मैं एक बात ये करूँगा कि हर दिन जैसे दिवाली नहीं होती है, हर दिन भी नवरात्रि नहीं होती है कि हम सारा जद्दोजहद करते सांसारिक चले पारिवारिक सामाजिक कामों में जद्दोजहद करते सारा साल, इसलिए हम बेसब्री से इंतजार करते कि कब दिवाली आई, कब नवरात्रि आई। इसलिए पहले नवरात्रि आई है तो नवरात्रि के वजह से क्या है कि जो हम जो 9 दिन सच्चे मन से और माँ की आराधना करें, माँ की पूजा पाठ करें और इससे और इस सुकून से। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स 16।